लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े किंगमेकर के रूप में आए और इसी के साथ एनडीए की सरकार भी बनी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद एनडीए की सरकार में टीडीपी और जेडीयू की वजह से राह आसान नहीं होगी। कयास कई तरह के लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश करते वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने दिखा दिया कि हम साथ साथ हैं और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोनों ही पार्टियों ने खुलकर बिल का समर्थन किया। बिल के पेश होने के साथ ही विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। कांग्रेस कहने लगी कि जी ये तो संविधान से मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ये नहीं चलेगा। तो केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने साफ कर दिया कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है और कांग्रेस की सदन के अंदर जमकर क्लास ले। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से यह मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरु भाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, पारदर्शिता होना चाहिए। टीडीपी का रुख क्या रहेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे थे। क्या टीडीपी इस पर पलटी मार सकती है, ये भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन टीडीपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया और कह दिया कि तेलुगु देशम पार्टी बिल का समर्थन करती है क्योंकि ये जरूरी है। We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected. But when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. केंद्र सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के संपत्ति समेत कई अधिकारों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि पारदर्शिता जरूरी है। अब इस बिल का समर्थन पूरे एनडीए ने किया है, हालांकि कांग्रेस लगातार हंगामा करती रही।